कार, मैं एक्टर ललित कुमार। काफी दिनों से सोच रहा था कि मैं भी लाइव आना शुरू करूं, लेकिन कुछ कारणवश ऐसा हो नहीं पा रहा था। लेकिन वो दिन आज आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी जिंदगी के कुछ पल जहां मैं सुबह वर्कआउट करता हूं, वॉक करता हूं, जीवन का जो तरीका है जीने का वो मैं आप सबके सामने रूबरू कर सकूं। यह है अपना फार्म हाउस। यहाँ पे आने का विशेष कारण ये भी है कि अभी यहाँ शुरुआत है और बारिश आने वाली है, और बारिश के बाद इसका रूप क्या होगा वो मैं आपको 2-3 महीने बाद दिखाऊंगा। आज है अप्रैल मई जून, आज है 3 तारीख, तो 3 महीने बाद ये सारे पेड़ हैं जो सब देखिए सब बड़े हो जाएंगे, तब मैं आपको ये देखिए अभी ये सब दीवार बड़ी हो जाएगी। सुबह जो शुद्ध हवा आती है कमाल होती है यहाँ पर। ये देखिए केले के पेड़ जो अभी दिख रहे हैं, बारिश के बाद, बारिश में तो रहूंगा नहीं, बारिश के बाद जब मैं आऊंगा यहाँ पर तो ये सब पेड़ कितने बड़े हो चुके होंगे मैं आपको बारिश के बाद दिखाऊंगा। ये देखिए ये सब पेड़, ये नजारा है मुंबई में। मुंबई में भी आप चाहें तो ऐसी जिंदगी जी सकते हैं। सुबह की शुद्ध हवा यहाँ मिलती है। देखिए सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, कमाल ये नजारा सुबह सुबह आपकी आंखों को बहुत। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे सुखद अनुभव होता है आपके दिल में, दिमाग में, आंखों को, हरियाली देखकर, इतने सुंदर सुंदर पेड़ देखकर, पीले पौधे देखकर, प्रकृति ने जो रंग दिए हैं उनको देखकर कितना मजा आता है ये आप सोच सकते हैं। अद्भुत नजारा है कुदरत का, जिसे हम सब लोग बड़े शहरों में फ्लैट में रहकर रहकर सब भूल चुके हैं। आंखों की रोशनी बढ़ती है, सुबह ग्रीन ग्रीन पौधे देखोगे तो आप आंखों को फायदा होता है। ये देखिए पपीता का पेड़, पपीता छुपा कर रखा है, जैसे सड़क ने बोला कि अपनी कोई नीति को छुपा कर रखी, वैसे ही ये हम शाम को बैठते हैं यहाँ पे जब फ्री होते हैं आके। ये देखिए प्यारे प्यारे पौधे, अद्भुत नजारा है, बहुत ही अद्भुत। ये आम का पेड़ अभी इतना छोटा है, देखिए बारिश के बाद कितना बड़ा हो जाएगा। ये आम कल आम खाए थे, बड़ा मजा आया, ताजे शुद्ध आम। ये चलते रहिए, ये बैक साइड जाएंगे, इधर साइड में ये हाईवे है, हाईवे है। देखिए कितनी गाड़ियां चल रही हैं, सब लोग अपने काम पर भाग रहे हैं। ये हाईवे है, ये जो हाईवे है मीरा रोड से अंधेरी तरफ जाता है, बहुत ही। आपने गाना सुना होगा कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। मैं आपको यहाँ हमारे यहाँ आपको अभी एक पेड़ दिखाऊंगा, इसके जो इस
ये देखिए आम का पेड़, आम का कितना प्यारा। देखो पानी लग रहा है, ये पानी चल रहा है। काजू, ये काजू, ये काजू का पेड़ है, ये ताजे काजू पड़े हैं, अपने आप गिरे हैं। ये पानी चल रहा है, ये काजू ना, ये देखिए, ये काजू, ये देख, ये टूट के गिरे हैं, देखो अपने आप गिरे हैं। ये देखिए, इनको खाने का आनंद ही अलग है। ये सब, ये देखिए, यहाँ पर राजकुमार जी हैं, वो भी देख रेख करते हैं, ये उनकी मेहनत है पूरी। ये देखिए, अब ये प्लास्टिक का तालाब बनाया है, ये फिर कुछ आइडिया दिमाग में आया, फिर रियल तालाब बनाया जा रहा है। ये यहाँ पे ये रियल तालाब होगा, इसका भी आपको दर्शन होंगे 3 महीने के बाद। ये और साइड है इधर की, इस पे भी पौधे लगेंगे, अभी टाइम लगेगा। हमने डिसाइड किया कभी कभी यहाँ शूट भी क्या करेंगे, डिजिटल का टाइम आ चुका है, क्यों ना कभी कभी अपने वीडियोस या बनाया करेंगे अपन, इंस्टा या जो भी है। बीच में आपने कुछ 2-3 इंस्टा पर वीडियो देखे होंगे, मैंने बनाए थे वो कल परसों, यहाँ कम आ रहा था, लेकिन अब मुझे लगा कि सुखद अनुभव तो यहीं पर है। ये हाईवे देखिए, ये देखिए आसमान देखिए, कितना ये पानी के बड़े बड़े पाइप देख रहे हैं आप, जा रहा है। ये हाईवे, बड़े बड़े पाइप से पानी आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए बड़ा पाइप। दिखाने का कारण ये है कि देखिए अभी इसका ये हाल है, और बारिश जब गिरेगी इस पे ना, जो हम लोगों ने तैयारी की है, प्लान किया हमने, वो तो बारिश के बाद देखने लायक होगा। ये सारे पेड़ जो लगाए हैं, ये सब बड़े हो चुके होंगे, फिर हम और आनंद ले सकते हैं यहाँ पर सुबह। अभी दोपहर में आने में थोड़ा सा, पौधे छोटे हैं, धूप लगती है, तो पौधे बड़े हो जाएंगे तो देखिए ये कितना अच्छा व्यू लग रहा है, आप खुद देखिए कमाल व्यू है। ये पत्थर है, कितना प्यारा लग रहा है, देखिए तो खड़ा होकर दिखाना, शूट करेंगे राउंड ट्रॉली, कितना अच्छा लगेगा, अद्भुत नज़ारा है। ये सारा नज़ारा आपको बारिश के बाद एकदम बदला हुआ नजर आएगा। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, क्यों ना हम कोशिश करेंगे कि मैं जहाँ भी रहूँ, अपने आगरा रहूँ या बॉम्बे रहूँ, हमेशा कैसे मैं कहाँ कहाँ जाता हूँ सबको दिखाता रहूँ, मेरा बगीचा कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, जो भी मेरे कैफेटेरिया जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ भी लाइव आया करूँगा मैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का सुबह का जो दृश्य मैंने आप लोगों को दिखाया है, आपको जरूर पसंद आया होगा। मैंने आज तक कभी किसी से कहा नहीं कि चैनल सब्सक्राइब करिए, काफी लोगों ने मुझसे कहा कि आपको कहना चाहिए कि चैनल सब्सक्राइब करिए, प्लीज
मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं देश विदेश जहां भी जाऊंगा अब आपके सामने हर लोकेशन दिखाता रहूंगा, शूट पर जाऊंगा वो भी दिखाऊंगा। सभी लोग कमेंट्स करिए, लाइक करिए और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जय हिंद।